हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिजनेस ईमेल्स, वेबसाइट का ईमेल्स को आप जीमेल के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करें और सेंडिंग एंड रिसीविंग जीमेल के इंटरफेस के साथ आप कभी भी कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि सी पैनल में आपका वेबसाइट है और उसमें से आप बिजनेस ईमेल्स आईडी कैसे क्रिएट करें, उसी ईमेल आईडी को हम यहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, पूरा देखते रहिए ताकि आपको ये बिजनेस के लिए ईमेल्स आप जीमेल के इंटरफेस के थ्रू यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जीमेल पर आना है, जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। आपको जीमेल यहाँ पर अपना लॉगिन करना है, जो कि सिंपल है, वेरी इजी है, सब लोग यूज़ करते होंगे जीमेल को, जीमेल सबने देखा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जीमेल में आकर आपका ईमेल आईडी लॉगिन करना है और एक आपको आपकी वेबसाइट का बिजनेस ईमेल आईडी लेना है, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड, वो भी आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों, आपका जीमेल का ये देखिए इंटरफेस लॉगिन हो चुका है, जीमेल दिखा है। राइट साइड में टॉप पर एक सेटिंग का आइकॉन रहता है, यहाँ पर आपको आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे कि हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन जर्नल लेबल इनबॉक्स, आपको आना है अकाउंटिंग अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के अंदर। यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड एन ईमेल आईडी, चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। यहाँ पर ऐड ए मेल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, आपको ऐड ए मेल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंगल साइड रिसीविंग होगा खाली। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा रिसीविंग एंड सेंडिंग। तो आपको ऐड एन अदर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है। इस विंडो में आपको आपका नाम पूछेगा, तो मैं यहां पर टेस्ट नाम देता हूं। आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो मैं यहां पर एक ईमेल एड्रेस देता हूं जो मैंने बनाया था पिछले वीडियो में। ये क्या है, test@webly-digital.com। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूंगा, जहां पर मुझे एसएमटीपी की सेटिंग देना है, mail.webly-digital.com, पोर्ट नंबर देना है और यूजर नेम में वापस से वो ईमेल आईडी मुझे रखना है। और इस ईमेल आईडी का पासवर्ड मैंने ड्राफ्ट में रखा है, वो मैं निकाल कर यहां से यूज कर लेता हूं। दोस्तों, ये जो पोर्ट नंबर है और उसके बाद सिक्योर कनेक्शन है, ये सेटिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। 587 पोर्ट नंबर के साथ TLS रहेगा। जीमेल ने एक मेल मुझे सेंड किया है, जो कि मुझे इस ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद मिलेगा। आइए हम उसको भी लॉगिन कर लेते हैं। webly-digital.com/webmail, ये मेरा वेबसाइट के प्रोवाइडर के थ्रू जो ईमेल्स है वो है। यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, test@webly-digital.com, जिसका पासवर्ड मैंने दिया है। इसमें दो ऑप्शन मुझे मिले थे, हॉर्डे एंड राउंड क्यूब, लेकिन अब मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जीमेल के साथ। देखिए, जीमेल ने मुझे एक कन्फर्मेशन मेल भेजा है थर्सडे। ये हमें थर्सडे का मेल नहीं, हमें फ्राइडे का मेल चाहिए, सैटरडे का, सॉरी, आज का मेल।
देखिए इस तरह से कंफर्मेशन कोड होगा, यू हैव रिक्वेस्ट टू ऐड टेस्ट एट वेबली डिजिटल डॉट कॉम टू योर जीमेल अकाउंट। कंफर्मेशन कोड ये है, लेकिन ये कोड हमारा पुराना है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि ये कोड लेता है या नहीं। देखिए नहीं, आज का कोड जो है वो डिफरेंट है। अभी जो मेल आया है तो हमें ये कोड डालना रहेगा। ये कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे विंडो में आकर ये कोड को मुझे ऐड करना रहेगा। सिंपल पेस्ट किया, इसको वेरीफाई किया, ये अकाउंट वेरीफाई हो गया। वापस से हम इस इंटरफेस पर आते हैं, हमारे सेटिंग के इंटरफेस पर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ईमेल आईडी फेच हुआ या नहीं। देखिए ये टेस्ट ईमेल अकाउंट जो है हमारा सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। इसको हम मेक डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। अभी जब भी हम जीमेल यूज करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट ईमेल आईडी टेस्ट एट द रेट वेबली डिजिटल डॉट कॉम रहेगा, जिसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप कंपोज मेल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वेबली डिजिटल टेस्ट अकाउंट टेस्ट एट द रेट वेबली डिजिटल डॉट कॉम, ये हमारा सेंडिंग ईमेल आईडी हो गया। और अगर हमें स्विच करना है तो हम वापस से जीमेल को स्विच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका सेटिंग हो गया। अभी हमारा सेटिंग आता है कि हम ये ईमेल्स के जितने भी लोग हमें मेल भेजेंगे वो रीड कैसे करेंगे। तो हमें वो ईमेल अकाउंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट। तो सेम प्रोसेस, यहाँ पर हम एक मेल भेजेंगे, मेल टाइप करेंगे हमारा टेस्ट एट द रेट वेबली डिजिटल डॉट कॉम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें पॉप थ्री अकाउंट की सेटिंग करना रहेगा। पिछली बार हमने एसएमटीपी किया था, एसएमटीपी हमारा सेंडिंग के लिए काम होता है और पॉप थ्री हमारा रिसीविंग के लिए यूज होता है। यूजर नेम में हमारा पूरा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हमारा कॉपी है ऑलरेडी, और पॉप जो सर्वर है मेल डॉट वेबली डिजिटल डॉट कॉम। अगर आपको यहाँ पर लेबल इनकमिंग लेबल मैसेज दिखाना रहेगा, इनकमिंग लेबल का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये मैसेज का लेबल है, इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करना रहेगा, लेबल इनकमिंग मैसेज टेस्ट एट वेबली डिजिटल डॉट कॉम, तो आपका ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आप ऐड अकाउंट कर दीजिए और ये सिक्योर कनेक्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट भी यूज कर लीजिए। आई थिंक मुझे ये सिक्योर करके यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एरर दिया है, SSL एरर, प्लीज ट्राई डिसेबलिंग SSL और कॉन्टेक्ट योर अदर प्रोवाइडर। तो मुझे यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स लग रही है, मेल डॉट वेबली डिजिटल डॉट कॉम पोर्ट 110। यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर हमारा सर्वर का होस्ट नेम डालता हूँ पर डॉट टेन मैट्रिक्स डॉट कॉम और सेम पासवर्ड। आपको अगर होस्ट नेम चाहिए तो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको एक बार कांटेक्ट करना रहेगा। देखिए इसमें भी एरर आया है, मेरा आई थिंक पासवर्ड जो है वो कुछ और है। ये पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। एंड फीड हिस्ट्री आप यहां पर चेक करिए, नो ईमेल फेच, 6 ईमेल फेच, और इसी तरह से आप चेक मेल कर सकते हैं।
और जैसे ही आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे सो आपको ये लेबल दिखा देगा टेस्ट एट द रेट वेबली डिजिटल डॉट कॉम। ये देखिए टेस्ट पे जो भी मेल आया था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।